हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। ब्रोकली हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है खाना। तो चलिए इसकी टेस्टी सब्जी कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी को गर्म किया है और यहाँ पर मैंने ब्रोकली को कट करके लिया है। इसे हम डालेंगे पानी में और इसे हम 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में अच्छे से पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये गर्म पानी में हम इसे रहने देंगे। और अब हम तैयार करते हैं मसाला। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। अब ऐड करेंगे प्याज। प्याज को 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट प्याज को पकाने के बाद अब ऐड कर देंगे हम 1 कटा टमाटर। टमाटर के साथ मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पका दूंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे मैं ग्राइंडर जार में निकाल के इसे ग्राइंड कर लूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करें। तो ब्रोकली को मैं ऑयल में फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रोकली को थोड़े से छोटे पीस में कट कर लिया है। तो 1 से 2 मिनट ही हम इसे तेल में पकाएंगे। अब मैं इसमें आलू फ्राई करूंगी। 1 आलू को मैंने कट करके लिया है। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, थोड़ा सा बटर। अब मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले, 1 लौंग, 4-5 काली मिर्च के दाने और दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 छोटा कटा प्याज। अब हमें इसमें डालना है प्याज और टमाटर का पेस्ट। अब मैं ऐड करूंगी फ्रोजन ग्रीन पीस। अब ऐड करना है मसाला, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और किचन किंग मसाला 1/4 टीस्पून। मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स करेंगे और इसे मैं पकने दूंगी 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इन सभी चीज़ों को पका लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी मगज और काजू का पेस्ट। इसे मैंने भिगो के रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच मैंने मगज का बीज लिया था, इसे ऐड कर देंगे। अगर आपको ये ना डालना हो तो इसके बदले आप फ्रेश क्रीम या फिर दही ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ हमारा ब्रोकली और आलू। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ब्रोकली और आलू अच्छे से मसालों के साथ पक जाए। इसे मैं ढक के 7 से 8 मिनट तक कुक करूंगी लो फ्लेम पर। 7 से 8 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारी अब बनके तैयार है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है, ब्रोकली और आलू मटर की, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी पूरी पराठा या नान के साथ या राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।